दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पवन चक्की क्या होता है, यह कैसे काम करती है, या फिर ये पहाड़ी इलाकों में और समुद्र तटीय इलाकों में क्यों लगाया जाता है? मेरे कई दोस्त भाइयों को तो यह मालूम ही होगा कि पवन चक्की क्या है और कैसे काम करती है, लेकिन कितने ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता है कि यह क्यों लगाया जाता है। तो आज का वीडियो इन लोगों के लिए, चलिए समझते हैं इसे आसान भाषा में। दोस्तों, दरअसल पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। आपके हमारे घर में जो बिजली आती है वे कई स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, जैसे कि बिजली कोयला से बनाया जाता है, जल से बनाया जाता है, गैस से बनाया जाता है, सोलर पावर से बनाया जाता है। इसी प्रकार बिजली हवा से भी बनाया जाता है और इसीलिए पवन चक्की हवादार स्थान पर लगाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में और समुद्र तटीय इलाकों में हवा का रफ्तार अधिक रहता है। हवा की रफ्तार जितना अधिक रहता है, पवन चक्की उतना ही अधिक बिजली पैदा करती है, इसीलिए इसे इस इलाकों में लगाया जाता है। आप जब भी पवन चक्की को देखे होंगे तो आप इसे जरूर पहाड़ी और समुद्री साइड में देखे होंगे। ये उस जगह पर नहीं लगाया जाता है जहां हवा का वेग कम रहता है। चलिए अब जानते हैं कि पवन चक्की से बिजली कैसे बनती है। पवन चक्की वह मशीन है जो बहते हुए हवा की एनर्जी लेकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। पवन चक्की से बिजली उत्पन्न करने के लिए 200 से 300 फीट ऊंची टावर लगाया जाता है। इसमें 80 से 100 फीट का ब्लेड लगाया जाता है। ब्लेड का साइज उतना ही रखा जाता है कि उसे टावर की ऊंचाई के अनुसार फिट किया जा सके। इसमें 3 ऑब्जेक्ट का बहुत महत्व है, ब्लेड, टावर और नेसेल। नेसेल ब्लेड के पीछे और टावर के ऊपर कनेक्ट किया जाता है। इसका साइज इतना होता है कि जैसे एक बड़ी रूम का साइज होता है। इसमें ही वह सभी मशीन फिट किया जाता है जिसमें विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे कि गियर बॉक्स, ब्रेक, जनरेटर, पंप और छोटी छोटी अन्य पार्ट्स। ब्लेड के पीछे एक मेन शाफ्ट लगा होता है, यानी एक गोलाकार मोटा रॉड लगा होता है और ये रॉड गियर बॉक्स में फिट किया रहता है। लोगों को लगता है कि इसके पंखे तो धीमे चलते हैं, फिर भी इससे बिजली कैसे बन सकती है। हम आपको बता दें कि ये बड़ा बड़ा ब्लेड जितनी बार घूमता है उससे 100 गुना ज्यादा इसके पीछे लगा हुआ रॉड घूमता है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे साइकिल में पैडल मारने वाला व्हील जितनी बार घूमता है उससे कई गुना अधिक पीछे वाला व्हील घूमता है, इसी प्रकार इसमें भी होता है। गियर बॉक्स का इस्तेमाल इसमें चक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें एक ब्रेक लगा होता है। जब हवा के कारण ब्लेड ओवर स्पीड में घूमने लगता है तो यह ब्रेक इसे ओवर स्पीड को कम स्पीड कर देती है, यानी लिमिट करके इसे चलने देती है। और पीछे लगा रहता है जनरेटर जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, और जनरेटर से वायर निकालकर इसे टावर के माध्यम से नीचे लाया जाता है। टावर के नीचे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है। यही क्रिया सभी पवन चक्की में होता है और सभी में से वायर निकालकर मेन केबल में जोड़ा जाता है। यह मेन केबल पावर सब स्टेशन में भेज दिया जाता है और यहाँ से सेम फ्रीक्वेंसी पर लगाकर पावर ग्रिड में भेजा जाता है और यहाँ से आपके घर तक आता है यह बिजली। पवन चक्की से बिजली बनाना बेहद आसान होता है। इसमें बस पैसा अधिक खर्च होता है, लेकिन जब एक बार यह तैयार हो जाता है तो हमेशा बिजली देती रहती है। एक बात और, यह पवन चक्की एक ही दिशा में नहीं घूमता है। इसमें एक यो लगा रहता है और पीछे एनेमोमीटर लगा रहता है जिसके माध्यम से यह पवन चक्की उसी दिशा में घूमता है जिस दिशा से हवा आती है। आई होप आपका सभी डाउट क्लियर हो चुका होगा कि पवन चक्की क्या है और इससे बिजली उत्पन्न कैसे होती है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए।
और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।